नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है 5000+ क्वेश्चनों की, और हर वीडियो में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, साइको जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चनों की मैं कमी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। और इन वीडियोज में देखिए, आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के शामिल होंगे, और जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, जो 8 वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें भी और वीडियो आपको मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जो ट्रिक वाले सीरीज के 2 वीडियो डाल चुका हूँ, और भी वीडियो आपको मिलेंगे उसमें भी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है? अध्यापन में निपुणता, भाषण कला में निपुणता, भाषणबाजी, तो ये तो पहले काट दीजिए आप, अनुशासन प्रियता और व्यवहार कुशलता। फ्रेंड्स, आप खुद से भी कोशिश कीजिए इनके आंसर देने की, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, या पेन कॉपी है तो उसमें ट्राई कीजिए और बाद में अपना स्कोर कॉमेंट्स में लिखें। तो अध्यापन के सबसे प्रमुख गुण है अध्यापन में निपुणता, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहला गुण है अध्यापन में निपुणता। और दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक के कौन सा गुण है जो छात्रों को सबसे अधिक अच्छा लगता है? फ्रेंड्स, यदि आपको क्वालिटी कम मिल रही है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, ज़्यादा आपका MB डाटा नहीं लगेगा, आप पहले से ही 720p पे सेट कर दें। पहला ऑप्शन है उसकी समय की पाबंदी, दूसरा ऑप्शन है उसकी निष्पक्षता, तीसरा ऑप्शन है उसकी अनुशासन प्रियता, फोर्थ ऑप्शन है उसका रोब। तो छात्र किस गुण को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? उसकी निष्पक्षता को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, कि वो पक्षपात नहीं करता स्टूडेंट्स में। तो तीसरा क्वेश्चन है, अध्यापक का लक्ष्य है परीक्षा में छात्रों को पास कराना, छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, या छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो छात्रों की प्रतिभा का सबसे ज़्यादा विकास करना, छात्रों को मोटिवेट कर सके, उनकी प्रतिभा को पूरा विकास कर सके, वही असली टीचर होता है। और अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, KVSPRT 16 दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं शामिल कर रहा हूँ इस सीरीज में। एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे, लोकतांत्रिक, निरंकुश, सबके लिए स्वेच्छाचारी, जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और लिख के आंसर देने की कोशिश करेंगे तो नहीं तो आपको बहुत कम फ़ायदा मिलेगा इन वीडियोज़ का। तो ये है लोकतांत्रिक होना चाहिए टीचर का व्यवहार। ये तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। फ्रेंड्स, ये 5000 क्वेश्चनों की सीरीज में रोज़ आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। 29 तारीख तक आपको 2 वीडियो मिलेंगे, उसके बाद 3 वीडियो डेलीज मिल जाएंगे, 10-10 मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। 5वां क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होता जब तक छात्र अनुशासित न हो, अध्यापक पढ़ाने में रुचि न ले, छात्र पढ़ने में रुचि न ले, छात्रों और अध्यापकों के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन D, छात्रों और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क न हो तो वह शिक्षण कार्य उत्तम नहीं होगा। देखिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, मेरे और आपके बीच में निकट संपर्क, मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, ताकि मेरे और आपके बीच में निकट संपर्क बना रहे और टीचिंग कुछ फ़ायदेमंद हो, या ऐसे ही मशीन की तरह मैं आपको पढ़ा के चला जाऊं और आपसे कुछ भी न पूछूं तो वो शिक्षण कार्य उत्तम नहीं होगा। इसी कारण से मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं, जिनके जवाब देकर आप इस वीडियो में अपने नाम शामिल करवा लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है 6 का, शिक्षक सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधाना अध्यापक से, पुस्तकों से, प्रशंसकों से, छात्रों से, किससे सीखेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छात्रों से ही सीखेगा।
सबसे अधिक अपने छात्रों से सीखता है, उनके साथ ही रहता है, ज़्यादा समय उनके साथ ही बिताता है। और तो बेमतलब के ऑप्शन है तीनों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह होता है जो सख्त अनुशासन बनाए रखता है। सख्त अनुशासन बनाएगा, बच्चों में क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। और बी ऑप्शन है, छात्रों को अच्छे अंक पाने के लिए पाने के तरीके सिखाता है। और तीसरा ऑप्शन है, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आए। और चौथा ऑप्शन है, कभी छुट्टी नहीं लेता। ये KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, PRT के एग्जाम में, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में। तो इसका सही ऑप्शन होगा, रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आए। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। और आठवां क्वेश्चन है, जिन पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता उनके बारे में प्रदर्शित किया जाता है, चित्र, मॉडल, फ्लोनल कार्ड, चार्ट। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ये है मॉडल। मॉडल देखिए, इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे बिजली कैसे बनती है ये बच्चों को समझाना है, पानी से बिजली, बांखड़ा बांध। तो बांखड़ा बांध पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसका मॉडल बना के, 3D मॉडल बना के समझा सकते हैं। चित्र वगैरह इनसे कम समझ में आएगा, चित्र चार्ट वगैरह से। तो फ्रेंड्स ये थे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान लो आप बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो साइंस का, तो वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, परिणाम जो निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लो आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है और सल्फ्यूरिक एसिड बन नहीं रहा, उसकी क्वालिटीज़ उसमें जो बना है उसके बाद जो साल्ट उसमें इसकी क्वालिटीज़ नहीं है, गंध वगैरह नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? कक्षा में छात्रों को कहना चाहिए कि वे तो ऑप्शंस ध्यान से पढ़ के आप उत्तर देने का कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन है चाहिए कि वे छात्रों को बता दें कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया, और अब सब छात्र और अध्यापक मिलकर पता लगाएं कि उसमें कहाँ और क्या गलती है। या फिर छात्रों से कहना कि कल प्रयोग करेंगे, या फिर ये बताना कि असफल हो गया है। नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया है, वही प्रयोग फिर से करना चाहिए। असफल हो गए छात्रों को देखे भरम में न रखेंगे छात्रों को असफल, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए टीचर को कभी भी, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। और छात्रों को ये कहना कि कल प्रयोग दोबारा होगा, तो बिना कुछ बताए ये कल प्रयोग दोबारा ऐसे नहीं कर सकते। और छात्रों से बुक की मदद लेने के लिए कहना, ये भी नहीं कर सकते आप। तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, कि तब की तब सभी पता लगाएंगे कि क्या क्या कमी रह गई, या छात्रों ने कोई कमी की है या टीचर के कारण। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्यामपट का प्रयोग, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का प्रयोग, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, छात्रों की चर्चा के लिए भरपूर अवसर देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग। कई बुक्स में इसका ये आंसर दे रखा है, ये टोटली रॉन्ग है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सही से, कि बच्चों से आप ये कहना कि लाभ हानि पढ़ाना है बच्चों को, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाना है। बच्चों से ये कहना कि उनका जो पेन है 5 रुपये का वो मुझे दे दो तुम 2 रुपये में, तो सभी बच्चे मना कर देंगे, कोई नहीं देगा आपको 2 रुपये में 5 रुपये वालों में, क्योंकि उसमें उनको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो बच्चे लॉस और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो ये है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग से बच्चों को पढ़ाना और रुचि का। अब मैं आपसे अगले वीडियो के लिए क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ये है जो पिछली बार के सही जवाब दिए उनके नाम है। पहला क्वेश्चन है, दूध के दांत बच्चे के कितने होते हैं, दूध के दांतों की संख्या? अब तो 32 सी बन रही है, 32 दांत होते हैं बाद में तो, लेकिन बच्चे के दूध के दांत कितने होते हैं ये बताना है आपको। और हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है, हड्डियों का विकास किस आयु तक होता है, उसके बाद रुक जाता है, कितने वर्ष की आयु तक, ये कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। थोड़ा मुश्किल है आगे के आपके वीडियो में शामिल करवाना नाम आपके लिए, लेकिन देखते हैं कितने जवाब आते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है, सुरेश कुमार चूरू राजस्थान से सबसे पहले जवाब दिया, सबसे पहले कमेंट आया इनका। अगले हैं महेंद्र सैनी भरतपुर राजस्थान से, अगली है रिंकू कुमारी
इनका कमेंट आया। फिर है नेहा यादव, फिर है मुकेश बलियाली, फिर है नवीन कुमार, इनके कमेंट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए।